हरिपुर गांव में चंदू नाम का एक दूध वाला अपनी पत्नी शांति और बेटी सुनैना के साथ रहता था। शांति स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी। वो कभी भी किसी को एक रुपया भी दान में नहीं देती थी। ओ सुनैना, ये दूध का भरा गिलास किसे देने जा रही है? माँ, वो एक बूढ़ी अम्मा दरवाजे पर खड़ी है, उन्हें बहुत भूख लगी है। माँ, हमारे पास तो बहुत सारा दूध है, मैंने सोचा थोड़ा सा दूध अम्मा को दे दूँ। बड़ी आई गरीबों में फालतू का दूध बांटने वाली, लाई धड़ला ये दूध का गिलास, पता है कितना महंगा दूध है ये, पाव भर दूध ऐसे ही दे दूँ। और ये सब छोड़, तू जाकर ये मक्खन गांव में बेच कर आ। सुबह दूध बेचने गई तो मेरे पैरों में अभी तक दर्द हो रहा है, और कभी कोई कहे कि मक्खन के पैसे तेरे बापू को देंगे तो तू साफ बोल देना कि ये हिसाब अलग है और तेरे बापू अभी 8-10 दिन बाद ही शहर से लौटेंगे, तब तक इंतजार थोड़ी करेंगे। ठीक है माँ। सुना ना, मक्खन बेचने चली जाती है। मक्खन ले लो मक्खन, ताजा ताजा मक्खन। अरे सुना ना बेटी, आज तू मक्खन बेचने आई है, सुबह दूध शांति दे गई थी, तेरे बापू घर पर नहीं है क्या? हाँ काकी, बापू कुछ दिनों के लिए शहर गए हैं। माँ सुबह दूध बेचने आई थी पर उनके पैरों में दर्द था, इसलिए अब मैं मक्खन बेचने निकली हूँ। अच्छा अच्छा, ला 1 किलो मक्खन कर दे। और फिर इसी तरह सुनैना गांव में मक्खन बेचकर घर लौटी। उसके पास बहुत सारे पैसे थे, ये देखकर शांति खुश हो गई। अरे वाह, सुबह दूध की भी अच्छी कमाई हो गई और अब साथ ही साथ मक्खन भी बहुत अच्छे दामों में बिक गया। माँ, जब तक बापू नहीं आते तब तक मैं मक्खन बेच जाऊंगी, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। ठीक है, पर मक्खन अच्छे दामों में बेचना ताकि हमारी अच्छी कमाई हो। अब सुनैना रोज मक्खन बेचने जाने लगी। एक दिन सुनैना मक्खन बेचने जा रही थी, रास्ते में राधा कृष्ण मंदिर पड़ा। सुनैना कुछ देर आराम करने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। तभी उसे मंदिर में पंडित जी द्वारा कही जा रही भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की कथा की आवाज आई। यशोदा मैया भगवान कृष्ण के लिए रोजाना माखन निकाल कर रखती, पर कृष्ण को माखन इतना प्रिय था कि वो अपने मित्रों के साथ गांव की गोपियों का भी माखन चुरा कर खा जाते थे। गांव में जिस घर भी माखन बनता था, कृष्ण अपने सारे सखाओं के साथ झट से पहुंच जाते और ताजा ताजा मटकी का माखन खा लेते थे। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है। पंडित जी, क्या भगवान कृष्ण को आज भी माखन का भोग लगा सकते हैं? हाँ बेटी, क्यों नहीं, भगवान कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं और माखन तो उन्हें बहुत पसंद है, पर गांव के लोग केवल जन्माष्टमी पर ही भगवान कृष्ण को माखन खिलाते हैं, और दिनों में कोई माखन नहीं लाता। पंडित जी चिंता मत कीजिए, अब मैं रोजाना कृष्ण के लिए माखन लेकर आऊंगी। ये लीजिए पंडित जी, मेरे पास बहुत सारा माखन है, और इसमें से थोड़ा सा भगवान कृष्ण को खिला दीजिए। जीती रहो बेटी, खुश रहो। अब सुनैना रोजाना ही जब मक्खन बेचने जाती तो थोड़ा माखन भगवान कृष्ण के लिए निकालती और उसके बाद बचा हुआ माखन बेच देती। माँ, ये लो आज के माखन के पैसे। क्या बात है सुनैना, आजकल तू माखन के बहुत कम पैसे दे रही है, कहीं तू पैसों को खर्च तो नहीं कर देती? नहीं माँ, मैं तो सारा माखन बेच कर आती हूँ, वो तो लग रहा है गाय भैंस दूध पतला दे रही है, इसी कारण माखन कम निकलता है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पीछा करना होगा, जरूर सुनैना मेरे से झूठ बोल रही। शांति सुनैना का पीछा करती है। सुनैना मंदिर के आगे जैसे ही रुकती है, शांति उसका हाथ पकड़ लेती है। ये तो मंदिर में कहाँ जा रही है, मैं तुझे माखन बेचने के लिए भेजती हूँ या खेलने के लिए? चल, अब से मैं भी तेरे साथ माखन बेचने जाया करूंगी, अकेले तू इधर उधर खेलती रहती है। अब क्या करूं, माँ तो मेरे साथ है, अब तो मैं मंदिर में राधा कृष्ण को माखन भी नहीं खिला सकती। शांति ने सुनैना के साथ मक्खन बेचने जाना शुरू कर दिया, इसलिए अब सुनैना मंदिर में राधा कृष्ण को मक्खन खिलाने नहीं जा पाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुनैना बापू के साथ बाजार गई हुई थी, तभी पीछे से बहुत ही सुंदर सलोने दो बच्चे शांति के पास आए। मेरा नाम राधा है और इसका नाम कृष्ण है, हम दोनों मंदिर में रहते हैं। तो मैं क्या करूं, यहाँ क्यों आए हो? सुनैना हम दोनों को रोज माखन खिलाने मंदिर आती है, पर कुछ दिनों से वो नहीं आ रही थी, इसलिए हम दोनों खुद ही आ गए। हाँ, मैंने तो बहुत दिनों से माखन खाया ही नहीं। अच्छा, तो तुमने सुनैना को माखन के पैसे दिए थे? नहीं, हमने माखन के पैसे नहीं दिए। अच्छा,
तब भी मैं कहूँ माखन के पैसे इतने कम क्यों बन रहे हैं? मुफ्त का माखन नहीं है हमारे पास। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तभी माखन मिलेगा। और हाँ, इतने दिनों से तुमने जो माखन खाया है ना, उसके भी पैसे मैं वसूल करके रहूंगी। लाओ पैसे दो। हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, ये हमारे पास सोने के कड़े हैं, आप ये रख लो। अरे वाह, माखन के बदले सोने के कड़े। ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। हाँ हाँ, मैं तुम्हें अभी माखन देती हूँ। शांति की खुशी का ठिकाना नहीं था। थोड़े से माखन के बदले उसे चमकते हुए वजनदार सोने के कड़े मिल गए थे। कुछ देर बाद चंदू और सुनैना वापस लौटते हैं। शांति उन्हें सोने के कड़े दिखाती है। वो कड़े देखकर सुनैना चौंक जाती है। माँ, ये तो राधा कृष्ण के हाथों के कड़े हैं। मंदिर में उनकी जो मूर्ति है उसमें राधा कृष्ण ने ये कड़े पहने हुए हैं। तुमने ये क्या कर दिया माँ? राधा कृष्ण खुद माखन खाने आए थे और तुमने उनसे ये कड़े ले लिए। शांति, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तुमने माखन भगवान को बेच दिया। इतनी कंजूसी और इतना लालच अच्छी बात नहीं। शांति, तुमने भगवान से भी कंजूसी करनी नहीं छोड़ी। राधा कृष्ण बच्चों के रूप में तुम्हारे पास आए थे, वो थोड़ा सा माखन ही तो मांग रहे थे। बहुत गलत किया तुमने शांति, बहुत गलत। वो तो भगवान थे, किसी साधारण बच्चे के साथ भी तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने राधा कृष्ण को माखन बेच दिया, जबकि मैं जानती थी इस सोने के कड़े के दाम ज्यादा है। मैंने उन्हें साधारण बच्चे समझ कर लूट लिया। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे पाप हो गया। सुनैना, सुनैना चल बेटी, मंदिर ले चल। मैं राधा कृष्ण से क्षमा मांग कर उनके हाथों में खुद ये कड़े पहनाऊंगी। शांति चंदू और सुनैना के साथ राधा कृष्ण मंदिर में जाती है। वो देखती है राधा कृष्ण के हाथ खाली है, उनके हाथों में कड़े नहीं है। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वो रोती रोती राधा कृष्ण के हाथों में कड़े पहनाती है। मेरी भूल क्षमा कर दो भगवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे दर्शन दो। हे राधा कृष्ण, मुझे दर्शन दो। शांति की प्रार्थना पर राधा कृष्ण उसे दर्शन देते हैं। शांति, चंदू और सुनैना तीनों राधा कृष्ण के सामने शीश झुकाकर खड़े थे। राधा कृष्ण उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिन से शांति ने कंजूसी करना छोड़ दिया। शांति अपनी बेटी सुनैना के साथ रोजाना माखन का पहला भोग राधा कृष्ण को ही लगाती थी, उसके पश्चात ही वो माखन बेचा करती थी। शांति ने गरीब और मजबूर लोगों की भी सहायता करनी शुरू कर दी थी और अब वो दान पुण्य किया करती थी।